किया तो ये पता चला कि पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 65 साल से मुसलमानों को एक लाइन में खड़ा रखा गया, उस लाइन के अंदर जब मुसलमान थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको ढकेल के वापस पीछे ढकेल दिया जाता है, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पर्चा मिलता है, उसको पकड़ने के बाद उस लाइन को अगर हमको कोई रोकता है तो उस लाइन को हम तोड़ कर आगे बढ़ेंगे और अपने हुकूम को जमहूरी अंदाज में हासिल करके रहेंगे। जिस तरह से मुसलमानों को सपना दिखाया जाता है और उनको फैलाया और फुसलाया जाता है, जब भी इलेक्शन आते हैं उनको कहला फुसला करके उनके वोटों को हासिल करके इक्तदार पर पहुंचते हैं। इक्तदार पर पहुंचने के बाद ये मुसलमान को भूल जाते हैं, क्लियर देंगे देखो कैमरा निकाल जूम बड़ा किया है, मैं देखा हूं नियो आजादी के बाद में पूरे मुल्क के अंदर कोई कलम एक जगह की झुबरपट्टी में रहने वाला कोई एक बाशिंदा ये कह सकता है कि उसने तरक्की किया हो, उस झुबरपट्टी से निकल करके अच्छी सोसाइटी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने पर गुजार रहा हो, क्या उनका हक नहीं कि वो अच्छी सोसाइटी के अंदर जिंदगी गुजारे, क्या उनका हक नहीं कि उनके बच्चे अच्छे तालीम हासिल करे, अच्छे स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करे, उन गंदी बस्तियों के अंदर रहने वाला मुसलमान उनके बच्चे उन स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, वहाँ पर कोई निज़ाम और कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पर जो प्रोफेसर और जो असातिज़ा अपॉइंट किए जाते हैं वो स्कॉट के बुनियाद पर अपॉइंट किए जाते हैं, उनके तालीमी लियाकत के ऊपर अपॉइंट बहुत कम किया जाता है, वो स्कॉट के बुनियाद पर उनको जो है अपॉइंट किया जाता है और इसी तरह से मुसलमान के बच्चे हासिल न